जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रुचि वीरा जी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बातचीत होगी रुचि वीरा जी से, जोरदार तालियों से प्लीज करेंगे स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का, और शुक्रिया करता हूं हमारे दर्शकों का जो सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संग इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स और आईटीवी नेटवर्क के तमाम चैनल्स पर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। इस खास राजनीतिक मंच में अब बारी है महिलाओं के बारे में बातचीत करने की। जी हाँ, ये जो महिला वोट है, जो एक अहम वोट है, ये कितने मायने रखता है समाजवादी पार्टी के लिए और कितना गेम चेंजिंग था ये महिला वोट, खास करके यूपी में जहाँ हमारी मेहमान सांसद हैं और जहाँ पे इनकी पार्टी का भी प्रदर्शन बहुत उमदा रहा इस बार। जी हाँ, बेटियां विरासत और सियासत शीर्षक है हमारे अगले सेशन का, और हमारी मेहमान है रुचि वीरा जी, लोकसभा सांसद है, मुरादाबाद से जीती हैं सपा की टिकट पे। दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूं मैम, वेलकम। पहले तो मैं पूछूंगा आपसे कि इस बार चुनाव क्या आपके लिए अलग था? मुरादाबाद से आप लड़ी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, इस बार चुनाव क्या अलग था आपके लिए, कठिन था, क्या परिस्थितियों का सामना आपने किया जिसके बाद आप चुनाव में जीती? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज मंच का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ अपनी बात रखने का अवसर आप लोगों ने दिया। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, हर चुनाव पहले चुनाव से भिन्न होता है, कोई बराबर मतलब किसी भी चुनाव को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वैसे तो एनडीए ने पिछली जो टेन्योर था एनडीए का, उसके आखिर में एक चीज़ रखी थी कि महिलाओं के आरक्षण की बात, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी ने 62 टिकट में 10 टिकट महिलाओं को देने का काम किया और एनडीए ने केवल 7 टिकट देने का काम किया। तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने धरातल पे महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र के सभी सम्मानित जो मेरे मतदाता थे, उन्होंने मेरे कैंडिडेट को बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और मुझे भरपूर अपना मतदान भी किया और अपना आशीर्वाद और दुआएं भी मुझे दी। और देखिए, हम लोग देश की आधी आबादी हैं, हमें इग्नोर करके किसी भी पार्टी का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर तरह के समीकरण साधे जाते हैं लेकिन महिलाओं की गिनती नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए, जितनी की बात होती है उतनी समीकरण समीकरण पे मैं आऊंगा, मगर उससे पहले चुनाव का परिणाम तो आपके लिए बहुत अच्छा था, आप जीत गई, मगर नामांकन के वक्त क्या हुआ था एग्जैक्टली, अब आप खुल के बताएं, क्योंकि हमने देखा था कि मुरादाबाद में बहुत ही अजीब परिस्थिति हो गई थी जहां सपा के 2 कैंडिडेट्स ने नामांकन कर दिया था, रुचि वीरा जी ने नामांकन भरा और हमने देखा एसटी हसन जो उस वक्त के सांसद थे उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो रणनीति क्या थी, क्या हो गया था अचानक, क्या बदला और टिकट आपको मिल गई? देखिए, क्या था कि आखिरी जो नामांकन होता है, जो आखिरी एबी फॉर्म भरा जाता है, वास्तव में तो वही माना जाता है। अब उन्होंने नामांकन किया था जो हमारे पूर्व में हमारे यहाँ से सांसद थे एसटी हसन साहब, लेकिन उनका काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत विरोध था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा और मुझे उन्होंने प्रत्याशी के रूप में उतारा और बहुत ही अच्छा समर्थन मिला। नतीजे आप लोगों के सामने हैं कि मैं 1,00,000 से भी कहीं ज़्यादा वोटों से चुनाव जीती, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला अच्छा रहा। एसटी हसन की तरफ से सहयोग मिला या नहीं? देखिए, उस विषय पर चर्चा करने से फायदा नहीं है, आपके मीडिया के लोग उनसे भी समय समय पर बात करते रहे, लेकिन देखिए चुनाव जो जवाब से मतलब कि ना कोई समर्थन नहीं। देखिए, चुनाव मेरा सब लोगों ने लड़ाया, सब महिला पुरुषों ने, सब हिंदू मुस्लिम ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के मेरा चुनाव लड़ाया। आरोप ये भी लगा कि सपा खास करके पश्चिम यूपी में आपके जो मंडल है उसमें आजम गुट और दूसरे गुट में बढ़ गई थी, क्या ये सही है? देखिए, गुटों में अगर बढ़ते तो परिणाम ये ना आते। देखिए, जहां तक आजम खान साहब का सवाल है, वो समाजवादी पार्टी के
मतलब सबसे बड़े नेताओं में ही शामिल होते हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचने का काम किया है। तो गुटों का कोई सवाल ही नहीं है, सब लोग एक जो समाजवादी में और जो हमारे इंडिया गठबंधन में आस्था रखने वाले लोग थे और जिन्हें मेरी वर्किंग या मेरे जो भी मतलब तौर तरीका था, मेरा चुनाव लड़ने का तरीका, मेरा काम करने का तरीका, वो सब लोगों को पसंद आया और परिणाम उसका आप सबके सामने है। जी बिल्कुल, आपने कुंवर सर्वेश सिंह जी को हराया जो कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, तो छोटी बात तो है नहीं। अब मैं पूछना चाहूंगा एसपी की रणनीति पर और कास्ट रणनीति पर हम आएंगे, मगर पहले महिलाओं के मुद्दे के बारे में आपने भी जिक्र किया, आधी आबादी का जिक्र किया, तो मैं जरूर आपसे पूछूंगा कि परसेप्शन पहले ये था कि समाजवादी पार्टी एक कहीं ना कहीं महिला विरोधी पार्टी कहूंगा, या फिर इट इज नॉट अ पार्टी विच इज कंड्यूसिव फॉर वुमेन, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी मुलायम सिंह यादव जी ने एक बयान दिया था जिस बयान की वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि लड़कों से गलती होगी, बॉयज विल बी बॉयज, और इसका बहुत खंडन हुआ था, बहुत बवाल भी मचा था इस बयान के बाद। हमने देखा था कि पहले सपा ने महिला आरक्षण बिल का विरोध भी किया था, हालांकि अब डिसीजन बदला गया इस बार जब ये बिल आया पार्लियामेंट में। इस बार हम देख रहे हैं आप जीती हैं, इकरा हसन जीती हैं, प्रिया सरोज जीती हैं, काफी महिलाएं जीत के आई हैं समाजवादी पार्टी के टिकट में, तो क्या आपको लगता है कि सपा के सोच में भी, चाहे अखिलेश यादव के नेतृत्व में या फिर बदलते वक्त ने सपा को भी बदल दिया है महिलाओं के प्रति? देखिए, ये तो समय परिवर्तनशील है और समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं, और ये तो मतलब एक कहते हैं ना कि सबूत सामने है कि उन्होंने सबसे अधिक महिलाओं को मौका दिया और सबसे अधिक महिलाएं यूपी में जीत के भी आई हैं। और महिलाएं कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है आज की तारीख में, और पहले भी हमारे लिए महिला हमारे देश में पूजनीय भी रही और मतलब जिस भी फील्ड में उसे काम करने का अवसर मिला तो उसने अपने आप को प्रूव भी किया है, ये बात तो जग जाहिर है। और ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को मौका दिया है और हम आभारी हैं उनके। अब तक माना जा रहा था कि आधी आबादी जो है वो कट्टर समर्थक है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, मगर आप कह रहे हैं कि ये बात सही नहीं है, क्यों आपको लगता है कि महिला वोट जो है वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी से? देखिए, केवल महिला वोट ही नहीं, हमें सभी दलित समाज का हो या और कोई बिरादरियां हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हमें जाट हो, हमें तो हर बिरादरी का वोट मिला है और हमने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करी है। हमारी पार्टी ने भी विकास की बात करी है, तरक्की की बात करी है, सबको साथ लेके चलने की बात की है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मतलब सभी लोगों का वोट मिला है। और महिला देखिए, सभी जैसे सब अपनी अपनी बिरादरी को पसंद करते हैं तो ऐसे ही महिलाएं भी तो महिलाओं को पसंद करती हैं और उसका भी लाभ मिला चुनाव में। अब तक माना जाता था कि समाजवादी पार्टी जो है वो MY फॉर्मूला पे चलता है, MY यानी कि मुस्लिम और यादव। इस बार मगर हमने देखा अखिलेश यादव ने PDA पे स्ट्रेस दिया, PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हमने देखा आपके मैनिफेस्टो पे भी ये लिखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रैलीज में भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका जिक्र करते थे। तो सपा का ये ट्रांजिशन MY से PDA क्यों हुआ, कैसे हुआ? रुचि जी, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने महसूस किया कि कहीं जो पिछड़ा भी है जो या जो दलित है वो कहीं ना कहीं मतलब पिछड़ रहा है समाज में, उसके साथ लेने की ज़रूरत है। और ये फॉर्मूला बहुत काम भी किया, कई हमारे यहाँ दलित समाज के लोग भी जीत के आए हैं, महिला भी और मतलब पुरुष भी, और जो पिछड़ा समाज के भी जैसे पटेल हैं या शाक्य मौर्य हैं, ये लोग भी काफ़ी तादाद में जीत के आए हैं। तो ये समीकरण काम किया है और जो सभी को एक समान रूप से, जिस कहते हैं ना जैसे सबका सबकी भागीदारी उन्होंने की है, जो भी समाज के लोग हैं,
तो दलित पिछड़ा सबको, और मैं आप मिसाल ये हूँ कि मैं मतलब फॉरवर्ड बिरादरी से आती हूँ, मैं अगड़े बिरादरी से आती हूँ, और हम लोगों को भी उन्होंने शामिल किया, तो जाति बिरादरी की कोई बात नहीं है। उन्होंने जिन लोगों को भी आगे बढ़ाने की या जिनका भी प्रतिनिधित्व क्षेत्र में मतलब संसदीय क्षेत्रों में होना चाहिए, तो सब लोगों को ही एडजस्ट किया है। और आप जैसे कह रहे हैं कि आप भी अपर कास्ट से आती हैं, आपको भी मौका दिया, वैसे माता प्रसाद पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो क्या ये ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश है उत्तर प्रदेश में? देखिए, अब आप बात कर रहे हैं मतलब महिला की भी, और बात कर रहे हैं आप पिछड़े की भी, तो हमारी पार्टी में कोई मतलब जाति बिरादरी की बात नहीं है। सभी लोगों को समान अधिकार दे के, समान सम्मान दे के, सभी लोगों का मतलब एक समन्वय बनाया है, सभी लोगों को साथ में लेके चले हैं। तो और हमारे यहाँ से एक सनातन पांडे जी भी एमपी चुने गए हैं, तो सभी लोगों को अकोमोडेट किया है और सभी का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो सिर्फ चार जात में विश्वास करते हैं, महिला, गरीब, अन्नदाता और युवा, मगर वह कहते हैं कि दूसरी पार्टियों की सोच अलग है, खास करके आपकी पार्टी की सोच। देखिए, हमारी पार्टी में यंगेस्ट जो है वो सांसद हैं, 25 साल कुछ 2 महीने या 3 महीने उम्र है, तो युवाओं को भी एक दूसरी और सांसद हैं दलित समाज से ही, वो भी 25 साल कुछ 6 महीने या ऐसे ही उनकी भी एज है, तो युवाओं को पूरा, या इकरा हसन है, उन तो सभी युवाओं को भी मौका दिया है। और देखिए, देश इस बात से नहीं चल सकता, ठीक है कि मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहूँगी। जब 2012 से और 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, तो सबके लिए काम हुआ और विकास हुआ, और धरातल पे विकास हुआ, ये नहीं कि खाली वायदे हुए हों और काम ना हुआ हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो है वो चलाने का काम हुआ हो, 1090 चलाने का काम हो, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का काम हुआ हो, तो धरातल पे काम हुआ और अवसर मिलेगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो आने वाले 27 में अवसर मिलेगा और फिर विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। आपका मानना है कि योगी जी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, मगर अखिलेश भैया तो दिल्ली आ गए, सांसद बन गए, विधायकी छोड़ दी उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि जो अभी नतीजे आए हैं, अभी 2 महीने पहले जो लोकसभा के नतीजे आए हैं, और 37 जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से बने हैं और 6 सांसद कांग्रेस से बने हैं, तो ये अगर हम कैलकुलेट करें सारी विधानसभाओं को, तो लगभग 225 विधायक आज की तारीख में सीटें हम जीते हुए हैं, और आने वाले समय में और भी बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदरूनी कलह जो है वो चल रही है? देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में ये तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप देख ही रहे हैं कि बराबर दिल्ली दौड़ रहे हैं और मीटिंग हो रही है, और केंद्र की सरकार भी बैसाखियों पर टिकी हुई है, ये आप लोग भी जानते हैं, तो अब लोग समझ चुके हैं, और जो वोट प्रतिशत है इंडिया गठबंधन का वो भी एनडीए से कहीं ज्यादा है, तो बिल्कुल जो है अंतरकलह दिखाई दे रही है। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, महिला होने के नाते हमारे बीच अंबाला की भी महापौर हैं, वो भी जीत के आई हैं, आप भी लोकसभा जीत के आई हैं, मगर जब शुरुआत की आपने राजनीति में, तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि एक महिला के लिए कितना कठिन था राजनीति में आना, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमने देखा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं काफी चुनावों में, जयप्रदा जी को भी लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, काफी और महिलाओं नेताओं के लेकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, तो आपके लिए महिला होना राजनीति में पश्चिम यूपी में कितना कठिन या आसान था शुरुआत में?
देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही हूं और मैं समाजवादी पार्टी से विधायक भी रही, और अब मुझे फील्ड में उन्हें मौका मिलता है तो, और मैं ईमानदारी से काम करती हैं। मेरा मानना है कि महिलाएं ईमानदारी से धरातल पे काम करती हैं। यहाँ बैठी हुई महिलाएं भी इत्तफाक करेंगी मेरी बात से कि वो एक मतलब ज़्यादा डेडिकेशन से काम करती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं हम लोग, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, और मेरे परिवार का हमेशा ये मानना रहा कि सबसे पहली चीज़ है कि अवसर दें, पढ़ाई का मौका दें, एक वातावरण दें। तो लड़कियां, हम तो रिजल्ट देखते हैं अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में टॉपर देखते हैं, तो लड़कियां बाजी मारती हैं, चाहे आपके आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों, चाहे जो रिजल्ट्स आप देखते हैं जब सीबीएसई का रिजल्ट आता है, आईसीएसई का रिजल्ट आता है, तो मैं लड़कियां बाजी मारती हुई, भाई पुरुषों से माफ़ी चाहती हूँ लेकिन लड़कियाँ बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं। महिला आरक्षण बिल भी अब पारित हो गया है, कुछ ही सालों में अब आरक्षण जो है वो होगा विधानसभा में भी लोकसभा में भी, तो क्या आपको लगता है इससे राजनीति बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से कि मतलब ये धरातल पे हो, ये खाली एक मतलब एक आरक्षण के पे होके ना रहे। कई बार मैंने ये महसूस किया है कि महिला जनप्रतिनिधि बन तो जाती है लेकिन उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, एक स्वतंत्रता होनी चाहिए उसको काम करने की, काम और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब सीखेगी भी और काम करेगी भी, तो मतलब प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ये बात मेरा कुल मिला के ये है कि केवल आरक्षण की वजह से ना हो। मगर हम ये कैसे करेंगे कि ये ना हो जाए कि सिर्फ किसी की वाइफ या किसी की बेटी या किसी की बहू को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है क्योंकि वो सीट जो है वो आरक्षित हो गया महिला? नहीं, उसमें थोड़ा ये प्रतिबंध होना चाहिए कि उसी को काम करने का मौका मिले, ये नहीं कि उसको वो तो पर्दे के पीछे रहे। क्योंकि मैंने गांव की भी राजनीति की है और जिला पंचायत काफी रूरल से होता है, तो मतलब आरक्षण की वजह से पत्नी बन गई या बहन माँ बन गई लेकिन उन्हें कहीं पीछे रखा जाता है, तो बिल्कुल ये वो होना चाहिए कि वही काम करेगी, उसी को ही एक फ्रीडम दोगे तो वो फिर उसको अच्छे से बखूबी निभा पाएगी। असल में तो यही फायदा होगा आरक्षण का कि उसको पूरा इम्प्लीमेंट हो वो चीज़, उस मतलब पूरी तरीके से। जी, एक और मुद्दे को लेकर मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा कि एक जो आरोप आपकी पार्टी पर लगता है बीजेपी द्वारा वो ये है कि आप एक परिवारवाद पार्टी हैं, आपके अध्यक्ष जो हैं वो इसलिए अध्यक्ष हैं क्योंकि उनके पिता अध्यक्ष थे। आप ये आरोप लगता है कि सिर्फ यादव परिवार को ही सामने लाया जा रहा है, उनको इतने पीढ़ियों को टिकट दिए गए इस चुनाव में, क्या आपको लगता है कि ये सही आरोप है या फिर गलत? अगर गलत क्यों? देखिए, ये सब आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर सक्षम, ये तो चुनाव है, कैपेबल होगा कोई तो जीत के आएगा, टिकट आप किसी को भी दे दें। और जो ये समीकरण पूरा आप देखेंगे कि भाई इतने वैश्य भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुस्लिम समाज के भी भागीदारी है, दलित समाज की भागीदारी है, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी है, तो ये आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। जो सक्षम होगा, जो कैपेबल होगा वही जीत के आएगा, टिकट देने से थोड़ी ना बात खाली बन जाएगी, बात तो जीतने से भी होगी। और देखिए, जिन भी लोगों को टिकट मिला, अगर यादव समाज की बात ही करें तो पांच लोगों को टिकट मिला और पांचों जीत के आए हैं, तो अपनी कहीं कार्यशैली ने उन लोगों को प्रभावित किया होगा। ये सही बात है, आपकी जवाब है आपका उन आरोपों पे। अच्छा, ये बताइए कि रुचि जी, आप क्या सीखी हैं अखिलेश यादव से? वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद आज हमारे मंच पे भी आएंगे शाम को, आप एक नेता के तौर पे, एक अध्यक्ष के तौर पे उनसे क्या सीखी हैं, उनके वर्किंग स्टाइल के बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, एक तो मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और यंग हैं, वर्किंग उनकी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया कि 2012 से 2017 तक जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है, आप इस बात की को मतलब खुद इससे मेरे इत्तफाक रखेंगे इस बात से,
कि जितना काम उत्तर प्रदेश में 2012 से और 7 तक हुआ है उतना काम कभी नहीं हुआ, चाहे वो मैंने बताया जैसे कि चाहे मेट्रो की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे इस कॉलेज स्कूल बनने की बात हो, मतलब बहुत ही काम हुआ है, रोड्स बनने की बात हो, कहीं और हॉस्पिटल बनने की बात हो, मतलब काफ़ी काम उनके कार्यकाल में हुआ है। तो यंग हैं और एक बात यह है कि अप्रोचेबल हैं, हमारा जो नेता है हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, मतलब बहुत लोगों से घुल मिल के रहते हैं और बड़ा सबका सम्मान करते हैं। हम लोग उनसे सीख रहे हैं काम करना भी और कैसे हम सब लोगों का सम्मान करें, ये भी हमने उनसे सीखा है। और डिंपल यादव जी से, डिंपल यादव जी का हमने देखा है कि ओवर टाइम छवि बिल्कुल बदल गई है, फ्रॉम जस्ट अ वाइफ टू नाउ अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिशियन। मैं खुद गया था कन्नौज, उनका मैंने कैंपेन देखा था, काफी बदलाव आ गया डिंपल यादव में भी। देखिए बहुत ही स्वीट हैं वो, बहुत अच्छी हैं और सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं, हमारी पार्टी में भी सबसे ज्यादा उन्हें वोट मिले हैं, तो उनकी ये मतलब कार्यशैली या जो उनकी मृदुभाषिता है उसका परिणाम है, सबसे बात करती हैं, सबके बात सुनती हैं। तो मतलब अब फोर्थ टाइम की वो एमपी हैं तो अनुभवी भी हैं और हर तरीके से हम लोग उनकी छत्र छाया में काम करना चाहते हैं क्योंकि वो अनुभवी हैं हम लोगों से ज़्यादा और बहुत अच्छा व्यवहार है लोगों के साथ। चलिए रुचि वीरा जी, आप यहाँ आई, हमारे मंच का हिस्सा बनी, हम आपको आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी आपकी सांसदी शुरू हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि आप मुरादाबाद और पश्चिम यूपी के लिए ढेर सारा विकास करें। धन्यवाद।